सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा आर्ट बनाए टिप्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज और एक डिज़ाइन लेके आई हूं। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और इस डिज़ाइन को हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, छोटे बच्चों के, लेडी जेंट्स, किसी में भी। तो उल्टी साइड से ये इस तरह का दिख रहा है, देखिए, और सीधा साइड इसका ऐसा है। तो इसमें जो है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, फर्स्ट और लास्ट में मैंने यहाँ पे चार चार फंदे छोड़े हैं, ठीक है। और ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन ये आ रहा है हमारे पांच फंदे के अंदर, और जो गैप देख रहे हैं, इस गैप के अंदर हमारे तीन तीन फंदे हैं। जो ये उल्टे फंदे का जो गैप है, इसमें तीन फंदे उल्टे बुने हैं, पांच फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, इस तरह का ये पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी 28 फंदे डाल रही हूँ, 28 फंदे में मेरा इतना पैटर्न जो है बन के आएगा, दो डिजाइन आ जाएंगे, ठीक है। दो डिजाइन आएंगे, चार फंदे इस तरफ छोड़ूंगी, चार फंदे इस तरफ, और तीन फंदे का ये गैप आएगा, ठीक है। तो आपको जिस प्रोजेक्ट में डालना है उस हिसाब से आप फंदे डालिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब वीडियो। देखिए, वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे मैंने 28 फंदे डाल दिए हैं, तो स्टार्ट करूँगी बुनना। फर्स्ट फंदा मैं ऐसे निकालती हूँ हमेशा, तो इसको निकाल दूंगी मैं और फिर आगे उन कर लूंगी। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट रॉ, ठीक है। अब हम बुनेंगे तीन फंदे उल्टे, देखिए, एक, दो, दो और ये तीन, ठीक है। तीन फंदे उल्टे बुन दिए, एक फंदा ये उतारती हूँ मैं हमेशा। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फर्स्ट और लास्ट में चार चार फंदे रखूंगी, ठीक है। तो अब हम करेंगे ऊन पीछे। ऊन पीछे करने के बाद हम बुनेंगे पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार और एक पांच, पांच सीधे, तीन उल्टे, ठीक है। अब आगे ऊन करेंगे, एक, दो और एक तीन, तीन उल्टे कर दिए। अब पीछे ऊन करेंगे, अब पांच सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार और एक पांच, ठीक है। अब आगे ऊन करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था चार फंदे यहाँ भी मैंने उल्टे बुने थे, एक निकाला था तो चार रखे थे, यहाँ पे भी मैं अब इनको बुन लूंगी, एक, दो, तीन और एक चार, ठीक है। ये हमारी थी फर्स्ट रॉ, ठीक है। अब हम सेकेंड रॉ स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड रॉ में हम फर्स्ट फंदा निकाल दूंगी मैं, ठीक है। सेकेंड रॉ में अब हमें क्या करना है, जो हमने सीधी साइड हमने सीधे बुने थे फंदे, उनको अब हमें उल्टा बुनना है इस साइड से, और जो उल्टे बुने थे बीच वाले और ये जो भी गैप वाले हैं, उनको हमने वहां से रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है। देखिए, यहाँ पे ये है हमारे तीन फंदे उल्टे हैं, देखिए यहाँ पे ये तीन फंदे उल्टे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको तीन फंदे बुनेंगे सीधे, ठीक है, दो और ये तीन। अब हम कर लेंगे आगे की तरफ ऊन, जो हमने पांच फंदे इस तरह से यहाँ सीधे बुने थे, इनको अब हम बुनेंगे यहाँ पे उल्टे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। इसी तरह से हमने पूरी लाइन, ये दूसरी लाइन कंप्लीट करनी है। पीछे ऊन करेंगे, जो उल्टे फंदे यहाँ से हमने उल्टे बुने थे, अब रॉन्ग साइड से इनको हम सीधा बुनेंगे, एक, दो और ये तीन। अब हमारा ये डिजाइन आ गया है, यहाँ से हमने सीधा बुना था, वहां से हम इनको उल्टा बुनेंगे। पीछे ऊन करेंगे, यहाँ एक, दो, तीन, चार और ये पांच, इनको हमने सीधा बुन लिया है। अब हम कर लेंगे पीछे ऊन, फिर से हम चार फंदे उल्टे बुन देंगे। यहाँ पे चार रखे हैं, मैंने कई बार बता दिया आपको, फर्स्ट और लास्ट में मैंने चार रखा है, तीन रखती तो यहाँ पे दिखता नहीं है, देखिए, क्योंकि ये गैप होता है तो गैप इधर को सिकुड़ जाता है जब हम इसको खींचते हैं। जैसे ये हमारा, माना कि ये पल्लू है, हम यहाँ और यहाँ सिलाई लगाएंगे तो अपने आप डिजाइन खींच के यहाँ पे फिर तीन दिखेंगे। जो हमारा ये चौथा फंदा है, ये सिलाई में चला जाएगा, ठीक है, और तीन का ही यहाँ पे हमारा गैप रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कभी भी एक एक्स्ट्रा फंदा रखती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बुन लेंगे इसको, देखिए,
ये सारे हमने यहाँ पे बुन दिए हैं सीधे, ठीक है। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हमारी स्टार्ट होगी तीसरी लाइन, ठीक है। तीसरी लाइन में हमेशा की तरह फर्स्ट फंदा में उतार दूंगी और सेकंड उल्टा, एक उल्टा, दो उल्टे और ये तीन उल्टे, ठीक है। तीन उल्टे बुन दिए। अब हमें करना है पीछे ऊन, ठीक है। पीछे ऊन करके हमें इस फंदे को इस तरह से सीधा करना है। देखिए इस फंदे को निकाल के ऐसे करना है, सीधा ऐसा करना है इसको। ऐसा करने के बाद पीछे से दोनों फंदों को इस तरह से, दो दो फंदे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए हमने इसको सीधा किया, ट्विस्ट किया मतलब, और इसको दोनों को हम पीछे से इस तरह से कर लेंगे और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। दो फंदे का एक फंदा यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। अब बीच का एक फंदा और हम बुन लेंगे, ये बुना, फिर से हम इन दोनों फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए ये डिजाइन के पांच फंदों में से हमने दो फर्स्ट के, दो लास्ट के, दो एक एक साथ बुन दिए हैं और एक बीच का बुन दिया है। पांच का हमने यहाँ पे तीन कर लिया है, ठीक है। दो फंदे यहाँ पे कम हो गए, तो हम आगे ऊन करेंगे और तीन फंदे जो ये गैप के हैं इनको बुनेंगे उल्टे, एक दो और ये तीन, तीन उल्टे बुन दिए। फिर से हम पीछे ऊन करेंगे। पीछे ऊन करने के बाद फिर से हमने ये फंदा जो है इसको ऐसे ट्विस्ट कर देना है, इसको पलट देना है, फिर इसको यहाँ से पीछे की तरफ सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे, ठीक है। एक कम हो गया, दो फंदों का एक फंदा हो गया, ठीक है। अब बीच का फंदा हम बुन लेंगे, ये बुन दिया हमने। अब ये लास्ट के दो फंदे हैं जो इनको इस तरह से हम बुन लेंगे। देखिए पांच फंदों का हमने तीन फंदा कर दिया, यहाँ पे दो इस तरफ घटा दिए, दो इस तरफ, और बीच का बुन दिया, ठीक है। इसी से ये डिजाइन बनता है। देखिए ये पांच फंदे हैं जो थोड़ा थोड़ा करके पूरे ही यहाँ पे खत्म हो जाते हैं फंदे, जो ही हमारे ये खत्म हो जाएंगे फंदे और हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने पांच का तीन कर दिया है। अब हम आगे ऊन करेंगे और ये जो उल्टे हैं इनको बुन लेंगे, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। अब हमारी चेंज हो रही है इस सिलाई, अब पलट लेंगे। अब हम आएंगे चौथी सिलाई में, ठीक है। चौथी सिलाई में हमें क्या करना है, तीन फंदे देखिए उल्टे, तीन यहाँ से जो उल्टे हैं वहां से हम सीधा बुन रहे, तो यहाँ पे तीन सीधे हो गए, ठीक है। चौथी सिलाई में तीन हो गए हमारे उल्टे, एक उतारा है, ठीक है, तीन उल्टे। अब करेंगे आगे ऊन, अब करेंगे ये उल्टे, ये डिजाइन वाले पांच फंदों का जो तीन किया था हमने वो है ये, ठीक है। अब हम इस तरफ ऊन करेंगे, तीन सीधे बुनेंगे, एक दो और ये तीन, ठीक है। अब फिर से इधर ऊन करेंगे, फिर यहाँ उल्टे बुन लेंगे, तीन फंदे ये डिजाइन वाले हैं, दो तीन, इनको हमने पांच का तीन कर दिया था, तो अब ये डिजाइन इस तरह का, देखिए इस तरह से बन रहा है ये। अब हम करेंगे, ये उल्टे फंदे आ गए तो ये उल्टी साइड है, तो हम इनको हमेशा यहाँ से सीधा बुन रहे हैं, ठीक है। ये हमारी है चौथी लाइन, चौथी लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम आएंगे पांचवी लाइन में। देखिए पांचवी सिलाई में फिर से हमने फर्स्ट फंदा उतार देंगे और फिर एक दो तीन जो है हमारे ये गैप वाले, इनको हम उल्टा बुनेंगे, तीन, देखिए यहाँ पे तीन उल्टे बुन दिए हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए यहाँ पे इस फंदे को हम पहले ऐसे सीधा कर लेंगे जैसे हमने अभी किया था, इसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों फंदों को इस वाली सिलाई में ले लेना है इस तरह से। देखिए इस सिलाई में ले लिया। अब इस सिलाई में लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे तीसरी फंदे में यहाँ पे इस पे जाना है हमने। देखिए इस फंदे में जाना है पीछे की तरफ से, यहाँ से जाएंगे हम और इसको इसमें डाल लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए तीन फंदों का दो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बस ऐसे छोड़ देने हैं ये फंदे, अब बाकी कुछ नहीं करना है। फिर हम आगे ऊन करेंगे, तीन फंदे हम
उल्टे बुनेंगे। देखिए एक बुना, दो और ये तीन, तीन उल्टे किए, पीछे उन करेंगे, इसको हम ट्विस्ट करेंगे, फिर तीनों फंदों को हम 1 2 और ये 3 इसमें कर लिए हैं। अब हम पीछे से जाएंगे और सिलाई को यहाँ से इसमें डालेंगे, देखिए इस तरह डालेंगे, और इसको यहाँ से सावधानी से दोनों फंदों को यहाँ ले लेना है हमें, इसको यहाँ कर देना है, ठीक है। देखिए अब आगे आ जाएंगे हम, आगे आने के बाद हम कर लेंगे ये 4 जो लास्ट के बचे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे, ये देखिए। देखिए अब स्टार्ट करेंगे हम छठी लाइन, छठी लाइन में हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, और जब 7th रो हमारी स्टार्ट होगी तो नया डिजाइन, यहाँ से नया डिजाइन ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो हम उतार देंगे, यहाँ पे हमने सीधा बुनना है, तो एक फंदा बुनेंगे, दूसरा भी यहाँ पे हम बुन देंगे, ठीक है, दो फंदे यहाँ पे बुनेंगे हम। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा, इसको हमेशा की तरह सीधा करेंगे, ऐसे ट्विस्ट कर दिया है इस फंदे को। अब हमने देखिए इस तरह से जो सीधे साइड हमारा जो डिजाइन था, ये डिजाइन है, डिजाइन के दो फंदे हमने यहाँ पे, केवल दो फंदे अब बच गए हैं, तो ये फंदे भी अभी इस सिलाई में, ये छठी सिलाई में पूरे ये डिजाइन के, जो भी इस वाले डिजाइन के ये फंदे हैं पूरे खत्म हो जाएंगे, केवल वे जो गैप वाले फंदे हैं हमारे केवल वही बचने वाले हैं। देखिए कैसे यहाँ पे हमारे केवल दो फंदे बचे हैं, देखिए दो फंदे बचे हैं, तो इन दो फंदों को हमने इस तरह से बुन देना है। ये तो मैं डाल रही हूँ इस तरह से, देखिए ये फंदा है जो, ये हमारा जो गैप के उल्टा फंदा है उसका एक फंदा है, ठीक है, ये फंदा है, इसको हम बुनेंगे और एक डिजाइन वाला फंदा ले लेंगे, ठीक है, इसको हम उल्टा उल्टा एक साथ बुन देंगे, ठीक है, और एक डिजाइन वाला एक फंदा और बच गया। देखिए यहाँ पे दो थे तो एक यहाँ बुन दिया हमने, एक अब इसके साथ बुनेंगे, देखिए इसके साथ दो फंदे, जो यहाँ गैप वाले तीन फंदे हैं इनमें से एक फंदा मैं ले रही हूँ यहाँ से, और इस डिजाइन वाले के साथ बुन दे रही हूँ। देखिए तो ये गैप, ये देखिए ये वाले पूरे खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे फंदे पूरे खत्म हो गए, पूरे गैप वाले में ही ये चले गए हैं। अब हमने फिर से एक फंदा, यहाँ पे तीन थे एक यहाँ बुन दिया मैंने, तो एक मैं सीधा बुनूंगी, ठीक है, और इसको मैं ट्विस्ट कर लूंगी इस तरह से, और इसको फिर पीछे की साइड से, यहाँ की साइड से देखिए, देखिए ये डिजाइन वाला दो फंदा और एक फंदा इस तरह का लेके मैंने बुन दिया है। अब डिजाइन वाला एक फंदा और बच गया है, इसको इसके साथ, जो इस तरह के तीन फंदे हमारे गैप वाले हैं ये लास्ट वाले, इसमें से हम इस तरह से लेके इसको बुन देंगे। देखिए ये देखिए समझ में आया आपके, ये देखिए सारे जो थे, एक दो और ये तीन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फंदे ये जो थे डिजाइन वाले पूरे खत्म हो गए, यहाँ पे पूरे गैप वाले ही फंदे उल्टे उल्टे बच गए हैं अब, ठीक है। अब हम जब स्टार्ट करेंगे यहाँ से डिजाइन, तो हमें पांच फंदे यहाँ से लूप लेके, यहाँ से पांच फंदे फिर से हम स्टार्ट करेंगे इस गैप से, तो हमारा दूसरा डिजाइन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये देखिए इस तरह से आएगा ये, ठीक है। अब हम देखिए, अब हम कर रहे हैं दूसरा डिजाइन शुरू, ये 7th रो होगी, 7th रो में हमारी ये 5th जो सॉरी 6वीं रो में हमारा ये डिजाइन समाप्त हो जाता है, और फिर 7th में अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए किस तरह से करना है, एक बार स्टार्ट करके और दिखा देती हूँ। इस फंदे को हम उतारेंगे हमेशा की तरह, अब आपको ध्यान देना है केवल जो गैप वाले उल्टे फंदे थे वही हमारे पास बचे हैं, ये डिजाइन वाले पूरे समाप्त हो गए हैं, अब इनको हमने दोबारा से यहाँ से गैप से पांच फंदे निकालने हैं और डिजाइन स्टार्ट करना है। देखिए उल्टे उल्टे हम बुन लेंगे इस तरह से, हमने ये बुने, ठीक है, ये एक उतारा हमने, एक उतार दिया, तीन फंदे बुन दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पीछे ऊन करेंगे, पीछे ऊन करके इस गैप बीच वाले फंदे के गैप में चले जाएंगे। देखिए ये बीच का फंदा है, यहाँ पे इसका गैप है, सेकंड गैप, देखिए इस गैप में जाएंगे,
यहां से हम पांच फंदे निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? एक एक निकाल दिया, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे, ये दो हो जाएगा, ये जाली हो जाएगी, ये दूसरा फंदा बन जाएगा। फिर एक ऐसे डालेंगे, ये तीन फंदे आ गए हमारे। फिर से हम एक बार और ऊन डालेंगे, ये चौथा हो गया। फिर एक बार यहाँ से ऐसे करेंगे, ये हो गया हमारा पांचवा। तो यहाँ पे हमने पांच फंदे, देखिए इन चारों को छोड़कर ये चार हैं, और पांच फंदे हमने फिर से यहाँ पर निकाल दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे ऊन कर लेंगे, यहाँ पे इनको बुनना नहीं है, केवल निकाल के पांच लूप हमें उस पर छोड़ देना है, ठीक है। अब हम तीन उल्टे गिन, एक दो और ये तीन, तीन गिन लेना है हमें। फिर हम पीछे चले जाएंगे, पीछे जाने के बाद हम देखेंगे कि ये डिजाइन हमारा समाप्त तो हो गया था, कोई भी फंदा यहाँ पे नहीं बचा था। तो बीच वाले फंदे में जाएंगे और बीच वाले फंदे के ये गैप देखेंगे, देखिए जो फर्स्ट सेकेंड गैप जो दिख रहा है इसके अंदर हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा लेंगे, ये आया, ठीक है। दूसरा फंदा हम ऐसे कर लेंगे, ऊन लपेट लेंगे उस पर, दो फंदे हो जाएंगे। फिर सेम गैप में डालेंगे, फिर यहाँ से एक लूप और लेंगे, ये तीन फंदे हो गए। फिर ऐसे डालेंगे, देखिए ये चार फंदे बन जाएंगे। फिर सेम लूप में जाएंगे, ये हो गए पांच, ठीक है। ये पांच फंदे हमने फिर से यहाँ से निकाल दिए हैं। अब हम आगे ऊन करेंगे और ये जो चार फंदे हमारे बचे हैं इनको बुन लेंगे, एक दो तीन और ये चार। देखिए सातवीं रो में हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा, ये हमारा यहाँ से ये वाला अभी स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये, ठीक है। अब हम पीछे की तरफ से इसको सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, जैसा हमने सेकेंड रो में यहाँ पे किया था वही करना है यहाँ पे। यहाँ पे ये उल्टे हैं, इनको उल्टी तरह से इनको सीधे बुन लेंगे, ठीक है। अब हम पीछे ऊन करेंगे, ये जो लूप लेके हमने पांच फंदे किए थे उनको उल्टे बुन देंगे ऐसे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। ये देखिए पांच बुन दिए। अब हम पीछे ऊन करेंगे, एक दो तीन, अब पीछे करेंगे। अब ये लूप वाले जो डिजाइन के हमने फंदे निकाले थे उस पे आ गए हम, एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है। अब पीछे ऊन करेंगे, एक दो तीन चार, ये देखिए ये दूसरी लाइन भी मैंने दूसरी डिजाइन की कंप्लीट कर दी है। तो इसी तरह से रिपीट करते जाना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको मिलेगी, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और बुनाई से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, मैं वीडियो बनाऊंगी और अपलोड ज़रूर करूंगी। तो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।